टाइम मैगजीन ने अपने अगले एडिशन के कवर पेज के लिए ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ द डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका घोषित कर दिया है। दरअसल ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में अद्भुत जीत हासिल करने के लिए यह खिताब मिला है। इसके साथ ही मैगजीन ने अपने अगले एडिशन के कवर पेज में ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ द डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करार दिया है। इससे पहले टाइम मैगजीन के ऑनलाइन रीडर्स पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे। इस पोल में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसी शख्सियतों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अंतिम फैसला मैगजीन की एडिटोरियल टीम करती है, जिसमें ट्रंप बाजी मार गए। ट्रंप को टाइम मैगजीन ने कहा कि ट्रंप ने गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी व्यवस्था विरोधी प्रचार किया और 70 साल की उम्र में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए। बहरहाल टाइम पर्सन की सूची में पहली उपविजेता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रबल दावेदार रही हिलेरी क्लिंटन रही, वहीं दूसरे उपविजेता ऑनलाइन हैकर्स रहे। आपको बता दें कि टाइम मैगजीन हर साल दिसंबर में उस शख्सियत को पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है जो बेहतर और बदतर वजहों से साल भर खबरों में बना रहा हो। पिछले साल जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को यह खिताब दिया गया था। रीडर्स पोल में जीत के बावजूद इस बार भी पीएम मोदी पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से चूक गए और डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी। देखते रहिए डीबी लाइव।